Hi everyone, good evening. Welcome to the amazing YouTube channel Study Point. कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपका इस बेहतरीन सेशन में स्वागत है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं, का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वो हम लोगों ने देखा था. और आज हम इस लेक्चर से फिफ्थ लेक्चर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि साइक्लो कंपाउंड्स, स्पायरो और बाईसाइक्लो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो फिलहाल आज में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड, अगर रिंग कंपाउंड आपके सामने आ जाता है, क्लोज्ड कंपाउंड आपके सामने आ जाता है, तो हम उसका नाम कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में आप सब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि इनऑर्गेनिक सर कब पढ़ाएंगे, फिजिकल कब पढ़ाएंगे. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फिजिक्स के टीचर और बायो के टीचर भी ले आइए. तो वो सारी चीज़ें अपने टाइम से होंगी और इसका कोई मैं भी ये नहीं बता सकता कि कब आपको फिजिक्स या इस चैनल पर शुरू हो जाएगा और कब आपका बायो शुरू हो जाएगा. वो जैसे जैसे आगे हम चलेंगे तो आपको धीरे धीरे अपडेट्स मिलती रहेंगी इसमें, ठीक है. और रही बात केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ाने की, तो वो धीरे धीरे उसका पूरा शेड्यूल है मेरे पास कि मुझे कब क्या पढ़ाना है, वो मैं आपको दे दूंगा और उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि किस दिन आपको क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले वैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक में GOC तक पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको पहले, एंड देन हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल की तरफ जाएंगे. तो पहले इतना पढ़ेंगे फिर हम लोग जाएंगे आगे. और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है. उससे पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताना है कि चैनल पर वीडियो आ गया है, फटाफट से जाकर के देखो. और आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है. और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं. आपको वीडियो का लिंक सबसे पहले वहाँ पर आ जाता है और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो है PDF, वो यहाँ पर लेक्चर अपलोड होने के बाद तुरंत मिल जाता है, ठीक है. और आप लोगों को क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. तो अब हम लोग चल रहे हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ. और इससे पहले 4 लेक्चर इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है. तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जाइए और जाकर के देखिए. प्लेलिस्ट में चारों वीडियो सीक्वेंस से लगे हैं, जो भी आपने मिस किया है वो आप जाकर के देख लीजिए, क्योंकि पीछे का टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे के टॉपिक्स आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है. अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड्स, ठीक है. बेसिकली आज हम लोग साइक्लो पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो एंड स्पायरो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अब हम चलते हैं कि पहला रूल क्या है इसका. पहला रूल ये दिया है, अच्छा पहले रूल से पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं, हालांकि वो सब आप जानते हैं कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है. तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते थे, फिर हम लोग ने क्या लिखते थे, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते थे बेटा, रूट वर्ड, और फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, इतना ही तो करते थे. तो आप लोगों ने सेकेंडरी प्रीफिक्स तो लिखना सीख लिया है, हर लेक्चर में लगभग सिखा रहे हैं हम. प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में एक लेक्चर में थोड़ी सी बातें हुई थी, तो आज पूरा डिटेल में बातें करेंगे, आज और कल, प्राइमरी प्रीफिक्स की, क्योंकि साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो ये सब प्राइमरी प्रीफिक्स में ही आते हैं, ठीक है. रूट वर्ड के बिना कुछ होना है नहीं, तो आपको तो डे वन से पढ़ रहे हैं. प्राइमरी सफिक्स के बारे में आपको पता है कि प्राइमरी सफिक्स ane9, ठीक है, ये भी हमने लास्ट 3 लेक्चर 4 लेक्चर्स में कवर किया है. सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हैं ये लास्ट
जब कल का लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा उसके बाद दो लेक्चर्स और लगेंगे जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो दो लेक्चर्स के बाद, एक लेक्चर के बाद आपको दो लेक्चर और मिलेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप सारे अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज बता दें, हमने लास्ट लेक्चर में पूछा था कि कितने बच्चे चाहते हैं कि लाइव क्लास आपको मिले, तो लाइव क्लास आपको इस चैप्टर के बाद से स्टार्ट होगी। ये जो आईपीएससी का आपका चैप्टर है इसके बाद से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और टाइमिंग फिर चेंज होगी। जब लाइव क्लास आपकी होगी तो आपका लेक्चर 5 बजे नहीं मिलेगा आपको, फिर टाइमिंग कुछ और होगी जो कि मैं आपको पहले ही बता दूंगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या टाइमिंग होगी, ठीक है? अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास क्लोज्ड चेन आ जाए, अभी तक ओपन चेन के बारे में बात करते थे, अब अगर क्लोज चेन आ जाए या साइक्लिक कंपाउंड हो या रिंग हो, तो हम लोग जो रूट वर्ड लिखते थे उससे पहले सिर्फ साइक्लो जोड़ देना है, CYCLO, साइक्लो। यही आपका लिखा हुआ है, इफ वी हैव रिंग क्लोज चेन साइकिल वी यूज साइक्लो एज अ प्रिफिक्स, प्राइमरी प्रिफिक्स है तो याद रखना है रूट वर्ड के पहले ही आएगा, ठीक है? अब यहां पर कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, सर ये इसमें कैसे पता चला कि तीन कार्बन है? तो ये जो पहला स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कैसे पता चला कि तीन कार्बन है यहां पर, तो तीन कार्बन ऐसे पता चलता है कि जितने कॉर्नर्स आपको दिखते हैं, जितने कॉर्नर इसमें आप देखिए कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, एक पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर और ये तीसरा कॉर्नर, तो जितने कॉर्नर उतने कार्बन, ठीक है? जब आप अपने कॉपी और पेन आपके साथ में है तो उस पर तुरंत लिख लीजिए ये चीज कि जितने कॉर्नर उतने कार्बन, कभी नहीं भूलेंगे आप। और दो चार अभी इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, सोते हुए भी वो आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे, ठीक है? तो चलिए यहां पर कितने कार्बन है, तीन कार्बन, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तीन कार्बन है, क्लोज स्ट्रक्चर है, तो क्लोज स्ट्रक्चर के लिए बेटा क्या लगाते हैं, साइक्लो। क्या लगाते हैं, साइक्लो, तो साइक्लो सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद कितने कार्बन है बेटा, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, तो हो गया प्रोप। फिर सारे सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो क्या लिखेंगे, एन, नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें कितने कॉर्नर हैं बेटा, चार, तो चार कार्बन हो गए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, प्राइमरी प्रिफिक्स, सबसे पहले सॉरी प्राइमरी प्रिफिक्स लिखेंगे, ठीक है? तो उसके बाद फिर चार कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से सारे हैं ऐड हैं इसलिए एन, ब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट टोटल कितने कार्बन, 5 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन है, उससे पहले क्लोज स्ट्रक्चर है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो और पेंटेन, ठीक है? इसके बाद अभी करते हैं, अभी पहले इस पर चलते हैं। अब यहां पर कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सागन है ना, तो 6 कार्बन है तो लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, हो गया? अब पहले इस पर आते हैं, अब देखिए यहां पर सेकेंडरी प्रिफिक्स भी मिल गया, तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, अभी तक तो ये था कि कहीं से भी स्टार्ट कर दो आपको 6 ही कार्बन मिलेंगे, लेकिन अब नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां आपको साइड चेन दिखेगी, सब्स्टिट्यूएंट जहां पर दिखेगा, तो यहां पर है सब्स्टिट्यूएंट तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लो, और तीन कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोपेन, ठीक है? ये नाम आपका हो गया। अगले में देखो यहां पर क्या है, इथाइल, और नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, नंबरिंग कहां से शुरू होगी, यहां से, तो क्या नाम लिखा जाएगा, 1 इथाइल, 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है? अब चलते हैं आगे, अब देखिए यहां पर बताइए यहां पर क्या होगा, ये आपका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, क्योंकि दोनों ही मिथाइल हैं तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, चाहे आप पहले वाले मिथाइल से करिए चाहे दूसरे वाले से करिए, ठीक है? फिर क्या होगा यहां पर, 3, ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है? तो टोटल कैसे लिखेंगे, 1.2 डाई मिथाइल,
1.2 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, चार कार्बन है ना, तो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट कार्बन में चलते हैं। अच्छा, किसी एक या दो बच्चों ने कमेंट किया था कि सर स्पीड स्लो है, तो आप लोग बेटा इसको 1.5 पे करके या 1.2 पॉइंट पे करके आप देख सकते हैं इसकी स्पीड बढ़ा करके, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जिनको बेसिक्स से स्टार्ट करना होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है, कुछ चीजें देखनी है, क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग 2 पॉइंट पर या 1.5 पर करके देख सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बताते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर फिर से दोनों मिथाइल हैं, तो आप बताइए कहाँ से नाम करना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, आप कहीं से भी नंबरिंग करेंगे मिथाइल को 1 और 3 ही मिलेगा, तो नाम होगा इसका क्या, 1.3 डाई मिथाइल, फिर आएगा साइक्लो और फिर लिखा जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, फिर क्या होगा साइक्लो ब्यूटेन। अब नेक्स्ट, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे नंबरिंग, तो इसमें तो एक ही है, तो 1.2.3.4, ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा 1.1 डाई मिथाइल, 1.1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी देखिए 1 और 2 दोनों जगह डाई मिथाइल है, तो आप कहीं से भी कर दीजिए नंबरिंग, ऊपर से या नीचे से, तो हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको आई होप दिख रहे होंगे, ठीक है, अभी दिख रहा होगा। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.1.2.2 टेट्रामिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा इसका 1.1.2.2 टेट्रामिथाइल और ब्यूटेन, सॉरी साइक्लोब्यूटेन, सबसे पहले क्या आएगा साइक्लो और फिर आएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पर चारों जगह पर आपको लगा हुआ है क्या, चारों जगह पर मिल रहा है मिथाइल, तो क्या करेंगे यहां पर 1, 2, 3 और 4, ये हो जाएगा नाम इसका क्या होगा 1.2.3.4, चार नंबर लिखे जाएंगे 1.2.3.4 टेट्रा मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, कुछ भी छूट गया हो आपका तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, और अब ये वाला अगर यहां से कुछ भी छूटा है तो आप इसको नोट कर लें, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है, हो गया इतना। अब चलते हैं आगे, अब रूल नंबर टू क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं इसी क्लोज या रिंग में, क्लोज चेन में या रिंग में, तो क्या करेंगे, तो जो नंबरिंग है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, जो नंबरिंग है वो कैसे करेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। आइए अब इसका नाम लिखना हम लोग शुरू करते हैं। अब यहां बताओ कि ये है मिथाइल और ये है ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन, तो बी पहले आता है तो नंबरिंग यहां से लिखी जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो इसका नाम बताइए, नाम क्या होगा इसका 1-bromo, ठीक है, ये आपको याद रखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आपको रूट वर्ड, और फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, तो सबसे पहले किसे लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को, तो क्या आएगा यहां पर 1-bromo
ब्रोमो, फिर थ्री मिथाइल, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल, और फिर साइक्लो ब्यूटे पेंटेन, पांच कार्बन है ना, तो नाम आ जाएगा साइक्लो पेंटेन। ठीक है, अब अगला, अब यहां पर देखिए नंबरिंग कैसे होगी, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री और ये होगा फोर। ठीक है, तो इसमें नाम कैसे लिखेंगे, नाम होगा वन इथाइल, वन इथाइल टू मिथाइल, वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लो, साइक्लो और ब्यूटेन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं आगे, देखिए यहां पर एक है फ्लोरीन और एक है क्लोरीन, तो क्लोरीन पहले आता है इसलिए नंबरिंग कहां से होगी, यहां से वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, टोटल छह कार्बन है और नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, क्लोरो से, तो नाम भी यहीं से शुरू करेंगे, वन क्लोरो, वन क्लोरो थ्री फ्लोरो, वन क्लोरो थ्री फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये आप करके बताइएगा, इसका नाम लिख करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। तो नेक्स्ट, जो भी इसका नाम सही बताएगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें उसका नाम अनाउंस करेंगे हम यहाँ से, कि जिस भी बच्चे ने इसका नाम सही बताएगा। ठीक है, चलो रूल नंबर थ्री पर चलते हैं। रूल नंबर थ्री ये कहता है, इफ वी हैव मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट, इफ वी हैव मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ वी हैव मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट देन फॉलो लोएस्ट लोकेंट सम रूल। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगाएंगे। देखो अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम नंबरिंग यहां से करें पहले, अगर आप कहां से करना चाहते हैं, ब्रोमीन से करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वन टू टू थ्री और फोर ये आएगा, तो आप इसको नंबरिंग लिखिए, पहले होगा वन, फिर होगा आपका थ्री और फिर होगा फोर, अगर हम कहां से कर रहे हैं, ब्रोमीन से। लेकिन अगर आप मिथाइल से नंबरिंग करेंगे तो ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा फोर, ठीक है, थ्री और फोर, तो आएगा वन टू और फोर। ठीक है, तो हम कहां से नंबरिंग करेंगे, हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, मिथाइल वाले साइड से, ठीक है, और दूसरी साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए अब अब इसका नाम लिखते हैं। ठीक, एक में हमने बता दिया, अब सारे में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट सम रूल आपको पहले से भी पता है। ठीक है, तो इसका नंबरिंग कहां से होगा, ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री, ये होगा फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अब नाम लिखेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली, सबसे पहले क्या आएगा, फोर ब्रोमो, फिर क्या आएगा, फिर आएगा टू इथाइल, गॉट इट, फिर आएगा वन मिथाइल, ये हो गए आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा, रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, छह कार्बन हेक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स एन, सिंगल बॉन्ड है सारे। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहां पर करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से करना है। ठीक है, तो यहां पर हम बताते हैं नंबरिंग, ये होगा वन, फिर ये होगा टू, ये होगा थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, छह कार्बन है तो ये होगा। अब नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम होगा टू ब्रोमो, टू ब्रोमो वन क्लोरो, टू ब्रोमो वन क्लोरो फोर फ्लोरो, फोर फ्लोरो साइक्लो
और हेक्सेन। इतने क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन इसी से और करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पूछा भी गया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, ठीक। नाम कैसे लिखेंगे, नाम आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, नाम में कोई वो रूल नहीं लगेगा। नाम में जो जैसा रूल था कि जो एबीसीडी में पहले वो पहले लिखा जाएगा, जो एबीसीडी में बाद में वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 2-ब्रोमो, बी पहले आता है तो इसलिए लिखा जाएगा 2-ब्रोमो। फिर उसके बाद लिखा जाएगा बी के बाद क्या आता है, सी, तो आएगा 1-क्लोरो, और फिर उसके बाद आएगा 3-फ्लोरो, FL फ्लोरो। फिर उसके बाद क्या आएगा, 4-आयोडो, आई सबसे आखिरी में आता है ना, तो 4-आयोडो। और फिर उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब चलते हैं अगले रूल में, रूल नंबर 4। तीन रूल आपको बता दिए, अब चौथा रूल बताते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि इफ वी हैव साइकिल ओपन चेन, अगर आपके पास साइकिल भी हो और ओपन चेन भी हो, ठीक है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड हो और ओपन चेन कंपाउंड हो, तो आप किसे पेरेंट चेन मानेंगे, वो क्वेश्चन यहां पर है। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए जब आपके पास साइकिल भी हो, रिंग कंपाउंड भी हो और ओपन चेन भी हो, तो आप उसे पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो आओ भाई इसमें देखते हैं। तो अगर हम क्लोज चेन पे चलें तो यहां पर टोटल 5 कार्बन है, और यहां देखेंगे तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसे हम पेरेंट चेन मानेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बताओ इसका नाम, नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अब हम एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स नाम किसका लिखा जाएगा, साइक्लो पेंटाइल, ठीक है, ये होगा टू साइक्लो पेंटाइल, टू साइक्लो पेंटाइल। अब होगा क्या, फिर 6 कार्बन की चयन है इसलिए क्या होगा, हेक्स। फिर क्या आएगा बेटा, एन, हेक्स इन। आइए अब इसमें पता करते हैं, तो इसमें कितने टोटल कार्बन है, 6 ही कार्बन है ओपन चेन में, अब क्लोज में है 5, तो पेरेंट चेन कौन होगी, ओपन चेन। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से क्यों नहीं करी, क्योंकि इधर मैक्सिमम नंबर मिल रहा है, तो इसको नाम क्या मिलेगा, 3-साइक्लोपेंटाइल और हेक्सीन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट रूल, अब नेक्स्ट रूल को ध्यान से समझिए, नेक्स्ट रूल इसी का रिवाइज्ड रूल है, कोई नया नहीं है। इफ नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन एंड क्लोज चेन इज सेम, अगर ओपन चेन और क्लोज चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो हम किसे पेरेंट चेन मानते हैं, तो हम क्लोज चेन यानी रिंग जो होगी उसे ही हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए रूल नंबर 4 में, तो ऊपर देखो 1, 2, 3, 4, 5 ओपन चेन में 5 कार्बन की, नीचे भी 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे मेन चेन मानेंगे और यहां इसको हम क्या करेंगे, एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले नंबरिंग होगी, ये होगा 1, ये आएगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। अब क्या होगा बेटा, ये यहां पर जो कार्बन है ये इधर भी गया है और इधर भी गया है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो होगा वो पहली पोजीशन पर जो एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा उसको ध्यान से समझना, 1, 1 इथाइल, ये होगा 1, 2, ठीक है, और फिर ये होगा 3, तो ये होगा 1-इथाइल प्रोपाइल,
इथाइल प्रोपाइल, ठीक है, जो आपका साइड चेन है इसमें भी हम नंबरिंग करते हैं, साइड चेन में भी नंबरिंग करते हैं। तो यहां से होगा ये तीन कार्बन, इसलिए पेरेंट चेन हो गया, साइड चेन की उस पर सोचिए, तो ये हो गया पेरेंट चेन, और इधर से ये पहली पोजीशन पर इथाइल लगा हुआ है, तो नाम होगा वन इथाइल प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं होगा क्योंकि ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है। अब आइए फिर आएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स का साइक्लो, फिर आएगा रूट वर्ड पेंट, और फिर आएगा आपका सिंगल बॉन्ड है तो ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसे करते जाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन में देखिए, यहां पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, ओपन चेन में 4 कार्बन है और क्लोज चेन में कितने कार्बन है, 3, ठीक है, आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करिए। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर हम बताने जा रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन में नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर ये जो रिंग है वो पास पड़ रही है, पेरेंट चेन इसे क्यों माना, क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो नाम लिखा जाएगा वो होगा 2-साइक्लो-प्रोपाइल और 4 कार्बन है इसलिए क्या आएगा, ब्यूट और एन, ठीक है, ये तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इस वाले में आप बताइए, इसमें इसका नाम क्या लिखा जाएगा, नंबरिंग कहां से करेंगे, तो यहां पर मैक्सिमम जो क्लोज चेन है वो 4 कार्बन की है, ठीक है, और ओपन चेन की अगर बात करेंगे तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है, तो इसलिए पेरेंट चेन कौन होगी, ओपन चेन। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहला नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग कर दी हमने, अब नाम लिखेंगे, तो नाम होगा 2-साइक्लो-ब्यूटाइल 4-साइक्लो, यहां पर डैश होगा, 4-साइक्लो-प्रोपाइल और 6 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्सीन। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, चलिए ये यहां पर जो ओपन चेन है ये कितने कार्बन की है, ओपन चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है, ठीक है, और क्लोज चेन भी 5 कार्बन की है, तो आपको पता है किसको पेरेंट चेन मानेंगे, इस यो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो 5 कार्बन हैं और ये एज अ साइड चेन आया है, तो ये कैसे लिखेंगे, 1-pentyl cyclopentane, 1-pentyl cyclopentane, ठीक है, इतना कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक नोट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो नोट में क्या लिखा है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइकिल एंड ओपन चेन इट सेम, तब तो हमें पता चल गया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन और सॉरी नंबर ऑफ कार्बन ओपन चेन और क्लोज चेन में दोनों में सेम है तो हम क्या करते हैं, किसे हम पेरेंट चेन मानते हैं, क्लोज चेन को, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाते हैं तो हम किसे, जिसमें कार्बन ज्यादा उसे पेरेंट चेन मान लेते हैं। लेकिन अगर इफ साइकिल एंड ओपन चेन हैव नंबर ऑफ कार्बन सेम एंड ब्रांचेज देयर, अगर ब्रांचिंग हो जाए तो उसे ही पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी। समझ में आया कि अगर आपके पास ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है और साथ में ब्रांचिंग भी है तो हम पेरेंट चेन उसे मानेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जिसमें साइड चेन ज्यादा होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम आए तो इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें तो बताइए,
यहां पर अगर आप देखिए जो आपका अगर पेरेंट चेन की बात करें तो 5 कार्बन की ही पेरेंट चेन, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है साइड जो आपका क्लोज रिंग है यहां पर भी 5 कार्बन है लेकिन साइड चेन आपके ओपन चेन में ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे इसको पेरेंट चेन मानेंगे। तो नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग होगी यहां से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और नाम क्या लिखा जाएगा इसका, 1-साइक्लोपेंटाइल, ये सबसे पहले लिखा जाता है क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है और इसमें साइक्लो का सी काउंट किया जाता है अल्फाबेट में, ठीक है, तो सी पहले आएगा 1-साइक्लोपेंटाइल और फिर आएगा 2.3 डाई मिथाइल और फिर कितने कार्बन है टोटल 5, तो इसलिए हो जाएगा पेंट और प्राइमरी सफिक्स में आएगा एन, तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और रूल नंबर 6 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स मिल जाएं, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएं, तो उसे ही पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, समझ गए। अगर मल्टीपल बॉन्ड आपको मिल जाए तो वही चेन पेरेंट चेन के रूप में मानी जाएगी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। चलो भाई अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पर मल्टीपल बॉन्ड दिया गया है भाई, तो क्या करेंगे इसी को पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है, और नंबरिंग कहां से करेंगे, ये होगा 1 और ये होगा 2, ठीक है, तो आ जाएगा 1-साइक्लोपेंटाइल, 1-साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, और फिर आएगा यहां पर क्या इथ, 2 कार्बन के लिए क्या आते हैं लगाते हैं इथ, और पहली पोजीशन पर है क्या इन डबल बॉन्ड। अब यहां पर सेकंड में नंबरिंग इधर से ही करेंगे तो नंबरिंग होगी 1, फिर होगी 2, ये 3, ये 4, 5, 6। नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा इथाइल से ही, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा 6 इथाइल 3.3, ये 2 जगह यहां पर क्या दिए गए हैं, एक ही पोजीशन पर 2 बार मिथाइल लिया गया है, तो 3.3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1-1-ईन, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, इस क्वेश्चन में आपको बताना है नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इसमें तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन दे दिए, 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे साइक्लो, फिर क्या लिखेंगे हेक्स, फिर क्या लिखेंगे कौन सी पोजीशन पर है 1, तो होगा 1-ई। इधर देखिए नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इधर क्या करेंगे 6 कार्बन है टोटल, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब आप कहीं सर दूसरे वाले से कर देते तो दूसरे वाले से करते तो भी इसको 4 मिलता, ऊपर वाले डबल बॉन्ड को 4 मिल जाता, तो कोई दिक्कत है नहीं इससे, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 2-साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा सेकंड, हाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग साइक्लो, और अब जरा ध्यान से बताइएगा कि यहां पर हेक्स लिखा जाएगा या हेक्सा लिखा जाएगा, हेक्सा क्योंकि दो आ गए हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा हेक्सा, ये कल या परसों के रूल में हमने आपको बताया था, ठीक है, कल ही बताया था शायद। फिर आएगा यहां पर 1.3 डाई ईन, क्लियर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इसमें क्या करेंगे, ये तो हो गया मल्टीपल बॉन्ड, अब नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको पहला नंबर देंगे क्योंकि इधर इथाइल है, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे नाम इसका, नाम क्या लिखा जाएगा बताइए, 1-इथाइल 2-मिथाइल 1-इथाइल 2-मिथाइल साइक्लोब्यूट
वन ईन, ठीक है, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा, वन कॉमा टू, नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री, ये हो गई नंबरिंग। तो नाम इसका क्या लिखा जाएगा, वन कॉमा टू डाई मिथाइल साइक्लो, साइक्लो और तीन कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप वन ईन, काम खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए, इसमें देखो कितने हैं, जो आपका रिंग है इसमें चार कार्बन है और ओपन में वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन है, तो क्या करेंगे, इसको पेरेंट चेन मान लेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, पांच कार्बन की रिंग है जो कि पेरेंट चेन मानी जाएगी, तो होगा टू साइक्लो ब्यूटाइल, टू साइक्लो ब्यूटाइल और पांच कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट और फिर क्या आ जाएगा, एन, पेंटेन, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहां पर आपको देखना है दो, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अब यहां पर दो आपको रिंग मिल गया, अब किसे पेरेंट रिंग मानेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसलिए इसको पेरेंट मानेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, फाइव एंड सिक्स। तो अब इसके लिए क्या लिखा जाएगा, वन साइक्लो, इधर लिख देते हैं इसका नाम, तो इसका नाम लिखा जाएगा वन साइक्लो प्रोपाइल और फिर क्या लिखा जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये आपकी पेरेंट चेन होगी, क्योंकि ऊपर ओपन चेन में तो तीन ही कार्बन है, तो क्लोज चेन इज अ पेरेंट चेन, तो नंबरिंग कहां से होगी, वन टू थ्री एंड फोर, और इसमें भी नंबरिंग होगी वन एंड टू, ये आएगा यहां पर भी आपका साइड चेन, तो इसका नाम लिखा जाएगा वन ब्राइकेट वन मिथाइल, वन ब्राइकेट वन मिथाइल इथाइल, ठीक है, और फिर यहां पर क्या लिखा जाएगा, साइक्लो और चार कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, ठीक है, चार कार्बन के लिए क्या, ब्यूटेन, ठीक है। दैट्स फॉर टुडे, अब हम लोग कल के लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को समझ में आता है ये, क्योंकि अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, कल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बाईसाइक्लो और स्पाइरो क्लियर करा देंगे एकदम पूरा, कहीं से भी क्वेश्चन लेके आ जाओ, किसी के मॉड्यूल उठा लो, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन लेकर के आ जाओ, कल का लेक्चर देखने के बाद आप लोग बाईसाइक्लो स्पाइरो कर लोगे, और आज तक जितना पढ़ाया है आप किसी के मॉड्यूल्स उठा लो, कहीं से क्वेश्चंस कर लो, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, वहां पर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में, ठीक है। अब आपका काम बताया, आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट तो करना ही करना है, और शेयर जरूर करना है, ये तो आपका रेगुलर काम है, रोज का काम है आपका ये, ठीक है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।